5 जुलाई 1413 को सुल्तान मोहम्मद अव्वल अपने चारों भाइयों को हराकर सल्तनत उस्मानिया के 5वें सुल्तान बने। अमीर तैमूर से अंकारा की जंग में शिकस्त ने सल्तनत उस्मानिया को हिला कर रख दिया। सुल्तान बायजीद अमीर तैमूर का कैदी बन गए और सल्तनत 4 टुकड़ों में बट गई। बायजीद के चारों बेटों मोहम्मद, सुलेमान, ईसा और मूसा आपस में एक दूसरे से तख्त पाने के लिए लड़ने लगे। 1402 से 1413 तक चले इस खाना जंगी में मूसा और सुलेमान तो मारे गए और ईसा भागने में कामयाब रहा। अब बच गए मोहम्मद अव्वल जो अब सल्तनत उस्मानिया के 5वें सुल्तान थे। इनका ज्यादातर वक्त सल्तनत के उन इलाकों को हासिल करने में खत्म हो गया जो भाइयों की खाना जंगी के दौरान उनके हाथों से निकल गया था। फिर भी वो अपनी मौत तक सल्तनत की सरहद को वहाँ तक नहीं ले जा सके जितना सुल्तान बायजीद की अमीर तैमूर के जंग से पहले थी।